को बता दें, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस बीच कुलदीप बिश्नोई को लेकर यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात की संभावनाएं बड़ी, जी हां, मुलाकात की संभावनाएं ऐसी स्थिति में बड़ी हैं जब राज्यसभा चुनाव को लेकर अंक गणित में कांग्रेस अटक गई है और कुलदीप बिश्नोई जीत को लेकर बैठे हुए हैं कि उन्हें राहुल गांधी से मिलना है। और जाहिर तौर पर उसके बाद जो है वो तस्वीर यहाँ पर साफ होगी और यही वजह है कि कांग्रेस की सांसें जो है वो अटकी हुई है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। स्पर्श, अब राहुल गांधी विदेश दौरे से लौट आए हैं तो संभावनाएं बढ़ गई हैं कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात कब हो सकती है, होगी, कब तक होगी, क्या अपडेट? कुलदीप बिश्नोई भी दिल्ली में मौजूद है और कल देर शाम को राहुल गांधी भी जो है विदेश दौरे से वापस आ गए हैं। तो ऐसे में ये अब संभावनाएं जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है कि जल्द जो है राज्यसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई की जो मुलाकात है वो राहुल गांधी से होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि तमाम समीकरण जो है इसी ओर इशारा जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो राज्यसभा उम्मीदवार है कांग्रेस के अजय माकन, उनकी भी जो है कुलदीप बिश्नोई से बातचीत हुई थी और कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर से यही कहा था कि वो राहुल गांधी से जो है पहले मुलाकात करना चाहते हैं और उसके बाद ही किसी तरीके का जो डिसीजन है वो आज जो है आने वाले भविष्य में जो है लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब चूंकि तमाम तरीके की जो संभावनाएं वो इस तरीके से बन रही है, क्योंकि समीकरणों को देखे कि कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में है, राहुल गांधी खुद दिल्ली में पहुंच चुके हैं और जो राज्यसभा चुनाव है उसमें एक एक वोट जो है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कीमती देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात होगी तो जो प्रदेश अध्यक्ष वाला मसला था उसको लेकर भी वो जवाब मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको जो है तमाम तरीके की जो चीजें हैं कुलदीप बिश्नोई को जो है प्रॉमिस कहीं ना कहीं की गई थी वो खुद ही एक दावा करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली दौरे पर जब कुलदीप बिश्नोई भी है और राहुल गांधी भी है तो ये मुलाकात जो है जल्द होती हुई नजर आ सकती है। स्पर्श, कांग्रेस के तब तक जाहिर तौर पर सांसें जो है वो अटकी हुई है, डू और डाई की सिचुएशन यहाँ पर जरूर बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस को डर यहाँ पर दो चीजों का जरूर है, कुलदीप बिश्नोई और दूसरी क्रॉस वोटिंग का, क्योंकि अभी कार्तिकेय शर्मा को लेकर साफ तौर पर जेजेपी, बीजेपी और हरियाणा लोकहित पार्टी का समर्थन सीधे तौर पर है। देखिए बिल्कुल, कार्तिकेय शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो वोटर्स होते हैं विधायक, उनसे जो है समर्थन मांगा था और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बीजेपी का समर्थन भी जो है कार्तिकेय शर्मा को मिलता हुआ जो है नजर आया। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से एक दो वोट भी इधर उधर हो जाते हैं, कांग्रेस क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती हुई नजर आती है तो मुश्किलें अजय माकन की निश्चित तौर पर जो है बढ़ती हुई नजर आएंगी और यही कांग्रेस नहीं चाहती है। इसलिए जो तमाम विधायक हैं उनको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, 28 विधायक कांग्रेस के पास रायपुर पहुंच चुके हैं और जीतने के लिए 30 विधायकों का समर्थन जो है उम्मीदवार को चाहिए। इसलिए जो एक एक वोट है राज्यसभा चुनाव के लिए वो काफी महत्वपूर्ण जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए अब कुलदीप बिश्नोई को भी कहीं ना कहीं जो है कि वो आज जो है किसी तरीके से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आए, इसलिए ये मुलाकात जो है उसकी संभावना जो है राहुल गांधी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक दिलचस्प मुकाबला हरियाणा के जो राज्यसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर सीधे तौर पर जो राज्यसभा उम्मीदवार है वो चुनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में दूसरे उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर जिस तरीके से संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है कि कोई भी जो है वहां पर जीतता हुआ नजर आ सकता है, तो कांग्रेस अपनी तरफ से तमाम जो कोशिशें हैं वो अजय माकन को जिताने के लिए करती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्पर्श, क्या कुलदीप बिश्नोई इस मुलाकात से ये आस लगाए बैठे हैं कि कोई बड़ा जो आश्वासन है राहुल गांधी की तरफ से मिल सकता है? और अभी हाल फिलहाल जो कुलदीप बिश्नोई ने अभी आपको याद होगा एक बयान दिया था कि सुरजेवाला को हरियाणा से उतारते तो हो सकता था स्थिति कुछ और होती, तो क्या माकन को हरियाणा से उतारा गया, इस बात का दर्द कुलदीप बिश्नोई के सीने में दबा हुआ है? देखिए, सुरजेवाला को राजस्थान से उतारा गया और राजस्थान से सुरजेवाला को जिताने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने भी कहीं ना कहीं विधायकों से अपील की। ऐसे में अगर सुरजेवाला हरियाणा से उतरते तो सुरजेवाला को कहीं ना कहीं था कि क्या जो हुड्डा कांग्रेस को जो तमाम चीजें जो है पावर जो है दी गई है वो कहीं जो है उनके लिए जो है खिलाफ में खड़े होते हुए ना नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी से जब मुलाकात होगी तो उसमें ऐसी कोई बड़ी चीजें निकलकर सामने नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जब उनको किसी चीज के लिए प्रॉमिस किया गया था कुलदीप बिश्नोई को जैसा वो कह रहे हैं और तमाम तरीके की जब हम मीटिंग चल रही थी प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर तो उसमें भी कुलदीप बिश्नोई का जब लेटेस्ट बयान था वो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा था कि वो कहीं ना कहीं आगे जो है रेस में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही जवाब जो है वो राहुल गांधी से मांगेंगे कि आखिरकार
उनका जो नाम है वो क्यों पिछड़ गया, और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था कि कांग्रेस अब मेरिट के आधार पर जो है फैसले नहीं ले रही है, इन सवालों के जवाब अगर कुलदीप बिश्नोई को मिल जाएंगे तो कुलदीप बिश्नोई निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे, और अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो कुलदीप बिश्नोई की क्या रणनीति रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात राहुल गांधी से होती है, कब होती है और इस मुलाकात में क्या कुछ समीकरण बनते हैं बिगड़ते हैं ये यहाँ पर देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, और कुलदीप बिश्नोई को इस मुलाकात में क्या कुछ आश्वासन मिलता है इसका भी जिक्र है। लेकिन एक बात साफ है कि इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई का जो स्टैंड है वो क्लियर होगा।